अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज हम आपको बल्तिस्तान में फसल कटाई सीज़न, जिसको बल्ती ज़बान में सुलतप कहा जाता है, के हवाले से छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। बल्ती ज़बान में बहुत ही मशहूर मुहावरा है कि अति रोफा से शुलतप। इसका मतलब ये है कि आप अपने वालिद के जनाजे को रख कर आपने फसल कटाई करनी है। क्यों? क्योंकि इसकी अहमियत क्यों, इसके इतना ज़ोर क्यों दिया गया है? क्योंकि पुराने ज़माने में ये वाहिद ज़रिया होता था कि गुज़र बसर करने के लिए, ताकि इसके अलावा और कुछ महंगाई के दौर था, कुछ और नहीं ले सकते लोग, इसी फसल के ज़रिए से लोग अपने बच्चों के अपने पेट पालते थे, ताकि ये ख़राब ना हो बारिश से, कुछ और ना हो, इस वजह से इसके ऊपर जोर दे देते। इसको पहले आपने अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है, और इसको आपने दाने अपने घर तक पहुंचने तक चीन से नहीं बैठे। देखिए जवान बूढ़े बच्चे सब इसमें हिस्सा लेते हैं। अब इसकी फसल कटाई करने के बाद इसको छोटे छोटे गुच्छों की शक्ल में उसको बांधा जाता है, और उसको साइड पर रखते हुए जाते हैं। अब ये गुच्छे बांधने के बाद जो जवान हैं, जो मर्द हजार हैं, उसको इकट्ठे कर लेते हैं, और रस्सी के ज़रिए से, जिसको बल्ती ज़बान में थकपा कहा जाता है, रस्सी की मदद से इसको इकट्ठे करके इसको बांधा जाता है, और उसको बांधकर बांधकर उसको खुश जगह पर ले जाने के लिए बहुत सारे जो तरीके होते हैं, जो कि बहुत सारे लोग अपने पीठ पर रख कर उसको लेके जाते हैं, ताकि जो मुश्किल रास्ता है जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती हैं, जहाँ पर रेड़े नहीं गुजर सकते, इसमें होते अपने पीठ पर। ये देखें जवान भी इसमें बहुत हिस्सा ले रहे हैं, कि ये देखें इसको खुश जगह पर पहुंचाने के लिए, ये बहुत ही मेहनत कश काम होते हैं। खुश जगह पर पहुंचाना बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि खेतों में वो सूख नहीं जाते हैं, सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक नहीं सूख पाते हैं ये उसकी जो दाने और खोशी उसको और भूसे को अलग करना बहुत मुश्किल काम होता है। अब इसके बाद देखें कुछ बच्चे उसको रेड़ी की मदद से, ताकि थोड़ा मैदान जो जगह है वहाँ पर रेड़ी चलाना आसान होता है, तो उन्होंने रेड़ी की मदद से भी उसको अपने मंजिल तक पहुँचाने में उन्होंने अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बच्चे भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अब इसके बाद देखिए जवान लोग, अब इसको मोटरसाइकिल को भी उन्होंने खोर के लिए मतलब उसके इस्तेमाल करना शुरू किया है। उसके बाद जो जहाँ पर रोड का जो रास्ता है वहाँ पर उन्होंने ट्रैक्टर की मदद से भी खुश करने के लिए, फसल को खुश करने के लिए अपने मंजिल तक जहाँ पे खुश जगह है वहाँ पहुँचाने में उन्होंने अपना काम किया। और इसके बाद है जो अगला काम है, खेत से लाने के बाद उसको सुखाने का काम है। वहाँ से बांध के लेके आते हैं, यहाँ सूखे जगह पर लाके उसको मज़ीद उसको फैलाया जाता है। उसको कहते हैं बल्ती ज़बान में उसको लब से कहा जाता है, लब से तामा, मतलब इसको जो खेतों से जो लेके आते हैं उसको मैदानी इलाका जहाँ पे सूखा हो, सूखा जगह हो, वहाँ पे फैला दिया जाता है, बिल्कुल फैला दिया जाता है। और बहुत टेंशन में रहते हैं कि कभी बारिश ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, अगर बारिश हो जाए तो इसकी उसको फिर उसको इकट्ठा करना है, फिर इकट्ठा करके उसको रखना होता है, और जब थ्रेशर ना मिले उस वक्त तक उसकी देखभाल करनी पड़ती है, लोगों के नींदें आराम हो जाती है, मतलब बहुत ही टेंशन परेशानी में रहते हैं। अब इसके बाद अगला मरहला है, ये खू कहा जाता है बल्ती ज़बान में, खोशे भूसे को अलग करने के लिए। खोशे भूसे को अलग करने का जो तरीक़ाकार, पहले पुराने ज़माने में, ये अभी आप वीडियो में देख रहे हैं कि जो की मदद से बहुत सारे जो को एक साथ बांधे जाते थे और उसको घुमाते रहते थे, बेचारे कम अज़ कम एक दिन तक लग जाते थे, पूरे दिन उसको घुमा घुमा के फिर जाके ये भूसे और दाने अलग हो जाते थे। फिर उसको ये पूरा जमा करने के बाद उसको हवा की मदद से भूसे और खोशे को अलग किया जाता था। तकरीबन एक हफ्ते तक वो इस यहाँ पर उसको रुकना पड़ता था, पूरे फैमिली वालों को बहुत ही मेहनत का काम था, बहुत मुश्किल काम ये होता था पहले ज़माने में।
ये देखिए आप देख सकते हैं किस ये देखिए पुलिस से कहा जाता है, इसको जो जम कर था वो किया हुआ है उसको पुलिस से कहा जाता है। ये देखिए जो की मदद से यहाँ पर ये खुशहाल करने। अब आप देखें थ्रेशर जदीद दौर है, थ्रेशर आने के बाद अब लोगों के काम आसान हो गया, हफ्तों का काम दिनों का काम अब आप घंटों में मिनटों में आप ख़त्म कर सकते हैं। देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वहाँ के लोग रिश्तेदार सब मिल के ये काम करते हैं, ये भी यूनिटी है बल्तिस्तान की। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब दूसरी फसल के लिए ज़ाहिर है पहली फसल उगाने के बाद दूसरी फसल भी उगाने जिसमें ज्वार है बाजरा है मूली वगैरह लगाते हैं उसके लिए हल चलाए जाते हैं पहले ज़माने। अभी जो कुछ साल है कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हल नहीं पहुँचते हैं वहाँ पर अभी भी ये जो के मदद से हल चलाए जाते हैं। बहुत ही मेहनत कुछ काम है कि आगे से इन्हें पकड़े दूसरे और जो के मदद से वो काम करना बहुत मेहनत कुछ काम है। जी नाज़रीन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो पर शुक्रिया सारी जलाली एंड सईद नसरुल्ला एडिटिंग ज़ाकिर मेर गासिंगी।